अब आइए तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। दिल्ली में सुबह से बारिश का दौर जारी है और दिल्ली में बारिश के बाद मिंटो रोड में जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है। वहां से तस्वीरें सामने आ रही है, आपको दिखाते हैं। मिंटो रोड पर भारी जलभराव, दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव से लोगों की दिक्कत बढ़ गई है। थोड़ी सी बारिश दिल्ली में और उसके बाद इस तरीके से हालात बिगड़ जाते हैं, यही कहानी राजधानी दिल्ली की हर बरसात में है। दिल्ली में जलभराव से ट्रैफिक जाम की समस्या लोगों के सामने, ये देखिए आप ऑटो पूरी तरीके से किस तरीके से पानी में डूबा हुआ गया है वो आपको नजर आ रहा है। ये मिंटो रोड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश और बारिश के बाद जलभराव से ये हालत है। आप देखिए ऑटो जो यहाँ पर खड़ी थी वो पूरी की पूरी पानी में डूबी हुई आपको नजर आ रही है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इसी तरीके से पानी भरा हुआ है, सड़कों पर लबालब पानी है जिस वजह से ट्रैफिक जाम और जो गाड़ियां खड़ी सड़कों पर वहां इस तरीके से पानी में डूबी हुई गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। और ये ऑटो की तस्वीर आपने देखी, मिंटो रोड पर पानी में ऑटो डूबा, दिल्ली के कई इलाके इसी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। जरा सोचिए कि अगर सड़कों पर ऐसे हालात हैं तो जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर स्थिति दिल्ली में कैसी होती होगी। थोड़ी सी बारिश और उसके बाद जलभराव की समस्या जिससे लोगों को दो चार होना पड़ता है। मिंटो रोड की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ऑटो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है, सड़क पर पानी भरा हुआ है। लोग देखिए अपने कैमरों में इस तस्वीर को कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। और थोड़ी सी बारिश जिसके बाद इस तरीके के हालात दिल्ली के कई इलाकों में बन जाते हैं और हर बार यही स्थिति दिल्ली में देखने को मिलती है जब वाटर लॉगिंग की परेशानी से समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। ये देखिए मिंटो रोड की तस्वीर और ये ऑटो जो पूरे तरीके से इस पानी में डूब चुका है, सड़क पर पानी भरा है, बारिश के बाद जल भराव यहां पर हुआ और ऐसी स्थिति कि ये पानी यहां से नहीं निकल पा रहा है और ऑटो पूरे तरीके से पानी में डूब चुका है। दिल्ली की सड़कें किस तरीके से दरिया बनी है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। मिंटो रोड दिल्ली से ये तस्वीर जिसमें आप समझिए कि कैसे हालात जो है वो सामने आ रहे हैं। दो तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, पहली तस्वीर जो है वो आश्रम की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर मिंटो रोड की जहां पर जलभराव की समस्या और किस तरीके से लोगों की परेशानी का सबब ये परेशानी बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर मिंटो रोड की है और दूसरी तस्वीर आश्रम की। दो तस्वीरें, सुबह सुबह का मौका, लोग घरों से निकल रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, दफ्तरों के लिए और स्कूली बसेस भी जो घर से निकले हैं बच्चों को लेकर के, उनको भी किस तरीके से समस्या का सामना यहां पर करना पड़ रहा होगा उसकी वानगी इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। दो तस्वीर, एक मिंटो रोड की आपको हम दिखा रहे हैं, वहाँ पर पूरा सड़क किस तरीके से जाम होता हुआ पानी से आपको नजर आ रहा है, पानी पूरा लबालब भरा हुआ है मिंटो रोड पर, और एक ऑटो पूरी तरीके से जो वहाँ पर खड़ा था वो डूब गया। और दूसरी जो तस्वीर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त है वो आश्रम इलाके की आपको हम दिखा रहे हैं, वहाँ पर भी पानी भरने की वजह से। और ये तीसरी तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो हैदराबाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी सुबह से बारिश और बारिश के बाद की ये तस्वीर आपके सामने। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई आपको नज़र आ रही है, दोपहिया चार पहिया वाहनों की रफ्तार थमी हुई है बारिश की वजह से, जो पानी भरा है सड़कों पर उसके बाद ऐसे हालात बने हैं। सिर्फ ये देखिए आपकी आधे और एक घंटे की बारिश के बाद ये हालत है अलग अलग हिस्सों की। पहली तस्वीर तो मिंटो रोड की है, वहाँ पर हर बारिश में यही सूरत, यही तस्वीर उभर करके सामने आती है। ज़रा सी बारिश होती है और उसके बाद इस तरीके से पानी पूरे सड़क को दरिया में तब्दील कर देती है। और ये दूसरी तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे थे वो हैदराबाद की देख रहे थे, ये ऑटो यहाँ पर आप देखिए पूरा का पूरा डूब चुका है। ऐसे ही कई इलाके हैं दिल्ली एनसीआर के जहाँ पर आधे एक घंटे की बारिश होती है और इतनी सी बारिश में पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है, सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, गाड़ियों की रफ्तार थम जाती है। और ये तो सुबह सुबह का मौका है आज, और सुबह लोगों की संख्या ज़्यादा जो घरों से निकलते हैं अपने दफ्तरों के लिए, ऑफिसों के लिए, और उनको सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये चार तस्वीर आपके सामने। तो सुबह सुबह वो पीक आवर्स होते हैं जब लोग अपने दफ्तर के लिए निकलते हैं घर से, बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं, समय पर उनको पहुंचना होता है। लेकिन दिल्ली की बारिश किस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है, जलभराव की समस्या कैसे लोगों के लिए चुनौतियां बढ़ा रही है वो आप देख लीजिए। और ना केवल दिल्ली में ये हाल आता है बल्कि कई और ऐसे इलाके भी हैं
जहां पर ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। फिलहाल ये जो चार तस्वीरें हैं ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों की मिंटो रोड, आश्रम, गीता कॉलोनी और शास्त्री पार्क, ये चार तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि इन सभी के सभी इलाकों में ऐसे ही हालात हैं, एक जैसे हालात हैं, जल भराव की समस्या जिससे लोग परेशान। तो ये देखिए आप चार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह से बारिश और बारिश के बाद इस तरीके से हालात बने हैं दिल्ली के, और जरा सी बारिश और उसके बाद हर बारिश के बाद का यही हाल है दिल्ली NCR का।